कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ रहे कैबिनेट के मेरे सभी सहयोगी गण, राज्यों के माननीय राज्यपाल, सभी सम्मानित मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, राज्य सरकारों के मंत्रीगण, उपस्थित शिक्षाविद, अध्यापकगण, सभी अभिभावक और मेरे प्रिय युवा साथियों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक साल पूरा होने पर सभी देशवासियों और विशेषकर सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीते एक वर्ष में देश के आप सभी महानुभावों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, नीतिकारों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को धरातल पर उतारने में बहुत मेहनत की है। कोरोना के इस काल में भी लाखों नागरिकों से, शिक्षकों, राज्यों, ऑटोनोमस बॉडीज से सुझाव लेकर, टास्क फोर्स बनाकर नई शिक्षा नीति का चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। बीते एक वर्ष में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आधार बनाकर अनेक बड़े फैसले लिए गए हैं। आज इसी कड़ी में मुझे बहुत सारी नई योजनाएं, नए इनिशिएटिव्स, इसकी शुरुआत करने का सौभाग्य मिला है। साथियों, ये महत्वपूर्ण अवसर ऐसे समय में आया है जब देश आजादी के 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज से कुछ ही दिन बाद 15 अगस्त को हम आजादी के 75वें साल में प्रवेश भी करने जा रहे हैं। एक तरह से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन आजादी के अमृत महोत्सव का प्रमुख हिस्सा बन गया है। इतने बड़े महापर्व के बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आज शुरू हुई योजनाएं नए भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। भारत के जिस सुनहरे भविष्य के संकल्प के साथ आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस भविष्य की ओर हमें आज की नई पीढ़ी ही ले जाएगी। भविष्य हम कितना आगे जाएंगे, कितनी ऊंचाई प्राप्त करेंगे, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम अपने युवाओं को वर्तमान में यानी आज कैसी शिक्षा दे रहे हैं, कैसी दिशा दे रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूं भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में बड़े फैक्टर में से एक है और इसलिए देश ने इस शिक्षा नीति को इतना आधुनिक बनाया है, इतना फ्यूचर रेडी रखा है। आज इस कार्यक्रम में जुड़े अधिकांश महानुभाव नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बारीकियों से परिचित हैं, लेकिन ये कितना बड़ा मिशन है इस एहसास को हमें बार बार याद करना ही है। साथियों, देश भर से हमारे कई युवा स्टूडेंट्स भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। अगर इन साथियों से हम उनकी आकांक्षाओं के बारे में, सपनों के बारे में पूछें
तो आप देखेंगे कि हर एक युवा के मन में एक नयापन है, एक नई ऊर्जा है। हमारा युवा बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, वो इंतजार नहीं करना चाहता। हम सब ने देखा है कोरोना काल में कैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था के सामने इतनी बड़ी चुनौती आई। स्टूडेंट्स की पढ़ाई का जीवन का ढंग बदल गया, लेकिन देश के विद्यार्थियों ने तेजी से इस बदलाव को एडॉप्ट किया। ऑनलाइन एजुकेशन अब एक सहज चलन बनती जा रही है। शिक्षा मंत्रालय ने भी इसके लिए अनेक प्रयास किए हैं। मंत्रालय ने दीक्षा प्लेटफॉर्म शुरू किया, स्वयं पोर्टल पर पाठ्यक्रम शुरू किए। आज हमारे स्टूडेंट्स पूरे जोश से इनका हिस्सा बन गए। दीक्षा पोर्टल पर मुझे बताया गया कि पिछले एक साल में 2300 करोड़ से ज्यादा हिट होना ये बताता है कि ये कितना उपयोगी प्रयास रहा है। आज भी इसमें हर दिन करीब 5 करोड़ हिट हो रहे हैं। साथियों, 21वीं सदी का आज का युवा अपनी व्यवस्थाएं, अपनी दुनिया खुद अपने हिसाब से बनाना चाहता है, इसलिए उसे एक्सपोजर चाहिए, उसे पुराने बंधनों पिंजरों से मुक्ति चाहिए। आप देखिए, आज छोटे छोटे गांवों से, कस्बों से निकलने वाले युवा कैसे कैसे कमाल कर रहे हैं। इन्हीं दूरदराज इलाकों और सामान्य परिवारों से आने वाले युवा आज टोक्यो ओलंपिक्स में देश का झंडा बुलंद कर रहे हैं, भारत को नई पहचान दे रहे हैं। ऐसे ही करोड़ युवा आज अलग अलग क्षेत्रों में असाधारण काम कर रहे हैं, असाधारण लक्ष्यों की नींव रख रहे हैं। कोई कला और संस्कृति के क्षेत्र में पुरातन और आधुनिक के फ्यूजन से नई विधाओं को जन्म दे रहा है। कोई रोबोटिक्स के क्षेत्र में कभी साईफाई मानी जाने वाली कल्पनाओं को हकीकत में बदल रहा है। कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में मानवीय क्षमताओं को नई ऊंचाई दे रहा है, तो कोई मशीन लर्निंग में नए माइलस्टोन्स की तैयारी कर रहा है। यानी हर क्षेत्र में भारत के युवा अपना परचम लहराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यही युवा भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को रिवोल्यूशनलाइज कर रहे हैं, इंडस्ट्री 4.0 में भारत के नेतृत्व को तैयार कर रहे हैं और डिजिटल इंडिया को नई गति दे रहे हैं। आप कल्पना करिए, इस युवा पीढ़ी को जब इनके सपनों के अनुरूप वातावरण मिलेगा तो इतनी शक्ति कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसलिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को ये विश्वास दिलाती है कि देश अब पूरी तरह से उनके साथ है, उनके हौसलों के साथ है। जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम को अभी लॉन्च किया गया है, वो भी हमारे युवाओं को फ्यूचर ओरिएंटेड बनाएगा, एआई ड्रिवन इकोनॉमी के रास्ते खोलेगा। शिक्षा में ये डिजिटल रिवॉल्यूशन पूरे देश में एक साथ आए, गांव शहर सब
समान रूप से डिजिटल लर्निंग से जुड़े, इसका भी ख्याल रखा गया है। नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर यानी एनडीआर और नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम एनईटीएफ इस दिशा में पूरे देश में डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाएंगे। युवा मन जिस दिशा में भी सोचना चाहे, खुले आकाश में जैसे उड़ना चाहे, देश की नई शिक्षा व्यवस्था उसे वैसे ही अवसर उपलब्ध कराएगी। साथियों, बीते एक वर्ष में आपने भी ये महसूस किया होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को किसी भी तरह के दबाव से मुक्त रखा गया है। जो ओपननेस पॉलिसी के लेवल पे है, वही ओपननेस स्टूडेंट्स को मिल रहे विकल्पों में भी है। अब स्टूडेंट्स कितना पढ़े, कितना समय तक पढ़े, ये सिर्फ बोर्ड्स और यूनिवर्सिटी नहीं तय करेगा। इस फैसले में स्टूडेंट्स की भी सहभागिता होगी। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट की जो व्यवस्था आज शुरू हुई है, इसने स्टूडेंट्स को एक ही क्लास और एक ही कोर्स में जकड़े रहने की मजबूरी से मुक्त कर दिया है। आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इस सिस्टम से इस दिशा में स्टूडेंट्स के लिए रिवॉल्यूशनरी चेंज आने वाला है। अब हर युवा अपनी रुचि में, अपनी सुविधा से कभी भी एक स्ट्रीम को चूज कर सकता है, छोड़ सकता है। अब कोई कोर्स सेलेक्ट करते समय ये डर भी नहीं रहेगा कि अगर हमारे डिसीजन गलत हो गया तो क्या होगा। इसी तरह स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल्स यानी सफल के जरिए स्टूडेंट्स के आकलन के भी वैज्ञानिक व्यवस्था शुरू हुई है। ये व्यवस्था आने वाले समय में स्टूडेंट्स को परीक्षा के डर से भी मुक्ति दिलाएगी। ये डर जब युवा मन से निकलेगा तो नए नए स्किल लेने का साहस और नए नए इनोवेशंस का नया दौर शुरू होगा, संभावनाएं असीम विस्तार होगी। इसलिए मैं फिर कहूंगा कि आज नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो नए कार्यक्रम शुरू हैं, उनमें भारत का भाग्य बदलने का सामर्थ्य है। साथियों, हमने आपने दशकों से ये माहौल देखा है, जब समझा जाता था कि अच्छी पढ़ाई करने के लिए विदेशी जाना होगा, लेकिन अच्छी पढ़ाई के लिए विदेशों से स्टूडेंट्स भारत आए, बेस्ट इंस्टीट्यूशंस भारत आए, ये अब हम देखने जा रहे हैं। ये जानकारी बहुत उत्साह बढ़ाने वाली है कि देश की 150 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स स्थापित किए जा चुके हैं। भारत के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिसर्च और एकेडमिक में और आगे बढ़े, इसके लिए आज नई गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। साथियों, आज बन रही संभावनाओं को साकार करने के लिए हमारे युवाओं को दुनिया से एक कदम आगे होना पड़ेगा, एक कदम आगे का सोचना ही पड़ेगा। हेल्थ हो, डिफेंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टेक्नोलॉजी हो, देश को हर दिशा में
समर्थ और आत्मनिर्भर होना होगा। आत्मनिर्भर भारत का यह रास्ता स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी से होकर जाता है, जिस पर एनईपी में विशेष ध्यान दिया गया है। मुझे खुशी है कि बीते एक साल में 1200 से ज्यादा उच्च शिक्षा संस्थानों में स्किल डेवलपमेंट से जुड़े सैकड़ों नए कोर्सेज को मंजूरी दी गई है। साथियों, शिक्षा के विषय में पूज्य बापू महात्मा गांधी कहा करते थे, राष्ट्रीय शिक्षा को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय होने के लिए राष्ट्रीय परिस्थितियों को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। बापू के इसी दूरदर्शी विचार को पूरा करने के लिए स्थानीय भाषाओं में, मदर लैंग्वेज में शिक्षा का विचार एनईपी में रखा गया है। अब हायर एजुकेशन में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के इसके लिए स्थानीय भाषाओं में भी एक विकल्प होगी। मुझे खुशी है कि 8 राज्यों के 14 इंजीनियरिंग कॉलेज 5 भारतीय भाषाएं हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और बांग्ला में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। इंजीनियरिंग के कोर्स का 11 भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन के लिए एक टूल भी डेवलप किया जा चुका है। क्षेत्रीय भाषा में अपनी पढ़ाई शुरू करने जा रहे छात्र छात्राओं को मैं विशेष बधाई देना चाहता हूं। इसका सबसे बड़ा लाभ देश के गरीब वर्ग को, गांव कस्बों में रहने वाले मध्यम वर्ग के स्टूडेंट्स को, दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को होगा। इन्हीं परिवारों से आने वाले बच्चों को सबसे ज्यादा लैंग्वेज डिवाइड का सामना करना पड़ता था। सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं परिवार के होनहार बच्चों को उठाना पड़ता था। मातृभाषा में पढ़ाई से गरीब बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनके सामर्थ्य और प्रतिभा के साथ न्याय होगा। साथियों, प्रारंभिक शिक्षा में भी मातृभाषा को प्रोत्साहित करने का काम शुरू हो चुका है। जो विद्या प्रवेश प्रोग्राम आज लॉन्च किया गया, उसकी भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। प्ले स्कूल का जो कंसेप्ट अभी तक बड़े शहरों तक ही सीमित है, विद्या प्रवेश के जरिए वो अब दूर दराज के स्कूलों तक जाएगा, गांव गांव जाएगा। ये प्रोग्राम आने वाले समय में यूनिवर्सल प्रोग्राम के तौर पर लागू होगा और राज्य भी अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से इसे लागू करेंगे। यानी देश के किसी भी हिस्से में बच्चा अमीर का हो या गरीब का हो, उसकी पढ़ाई खेलते और हंसते हुए ही होगी, आसानी से होगी, इस दिशा का ये प्रयास है। और जब शुरुआत मुस्कान के साथ होगी तो आगे सफलता का मार्ग भी आसानी से ही पूरा होगा। साथियों, आज एक और काम हुआ है जो मेरे हृदय के बहुत करीब है, बहुत संवेदनशील है। आज देश में 3 लाख से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको शिक्षा के लिए सांकेतिक भाषा की आवश्यकता पड़ती है। इसे समझते हुए भारतीय साइन लैंग्वेज को पहली बार एक भाषा विषय यानी एक सब्जेक्ट का दर्जा प्रदान किया गया है। अब छात्र इसे एक भाषा के तौर पर भी पढ़ पाएंगे।
इससे भारतीय साइन लैंग्वेज को बहुत बढ़ावा मिलेगा, हमारे दिव्यांग साथियों को बहुत मदद मिलेगी। साथियों, आप भी जानते हैं कि किसी भी स्टूडेंट की पूरी पढ़ाई में उसके जीवन में बड़ी प्रेरणा उसके अध्यापक होते हैं, और हमारे यहां तो कहा गया है, गुरौ न प्राप्यते यत् यत्तत् न अन्य अत्रापि अभ्यते लभ्यते, अर्थात जो गुरु से प्राप्त नहीं हो सकता वो कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। यानी ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक अच्छा गुरु, अच्छा शिक्षक मिलने के बाद दुर्लभ हो। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के फॉर्मुलेशन से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक हर स्टेज पर हमारे शिक्षक सक्रिय रूप से इस अभियान का हिस्सा है। आज लॉन्च हुआ निष्ठा 2.0 ये प्रोग्राम भी इस दिशा में एक अहम भूमिका निभाएगा। इस प्रोग्राम के जरिए देश के शिक्षकों को आधुनिक जरूरतों के हिसाब से ट्रेनिंग भी मिलेगी और वो अपने सुझाव भी विभाग को दे पाएंगे। मेरा आप सभी शिक्षकों से, एकेडमिशियन से अनुरोध है कि इन प्रयासों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए, अधिक से अधिक योगदान दीजिए। आप सभी शिक्षा के क्षेत्र में इतना अनुभव रखते हैं, व्यापक अनुभव के धारक है, इसलिए जब आप प्रयास करेंगे तो आपके प्रयास राष्ट्र को बहुत आगे लेकर जाएंगे। मैं मानता हूं कि इस कालखंड में हम जिस भी भूमिका में हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इतने बड़े बदलावों के गवाह बन रहे हैं, इन बदलावों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आपके जीवन में यह स्वर्णिम अवसर आया है कि आप देश के भविष्य का निर्माण करेंगे, भविष्य की रूपरेखा अपने हाथों में खींचेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में जैसे जैसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अलग अलग फीचर्स हकीकत में बदलेंगे, हमारा देश एक नए युग का साक्षात्कार करेगा। जैसे जैसे हम अपनी युवा पीढ़ी को एक आधुनिक और राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था से जोड़ते जाएंगे, देश आजादी के अमृत संकल्पों को हासिल करता जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सब स्वस्थ रहें और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।